शिरो आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। दुल्हन की विदाई के बाद ऐसे रोया दूल्हा की स्वागरात की जगह पर हवालात में गुजारनी पड़ी रात। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर नजर डालते हैं, कहां से आ रहा है, इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये जो पूरा मामला हमारे सामने मुजफ्फरपुर और नोएडा से आ रहा है, बताया जा रहा है कि आलोक नाम का एक शख्स जो है वो एक्चुअली में मुजफ्फरपुर से अपनी बारात लेके नोएडा गया था, क्योंकि उसकी शादी जो है वो नोएडा में होने वाली थी और शादी काफी ज्यादा धूमधाम से हुई और सभी रस्में रिवाज सब चीजें हुए। दुल्हन के परिवार वाले सब लोग काफी ज्यादा खुश थे और शादी होने के बाद एक रात जो है वो दुल्हे वाले दुल्हन के ही घर पे रुके थे और उस सुबह जो है विदाई हुई। विदाई के वक्त दुल्हन काफी ज्यादा रो रही थी और दुल्हे ने अपनी दुल्हन को संभाला और परिजनों ने भी संभाला और उसके बाद गाड़ी में बिठाया। वैसे तो ऐसे सब चीजें सब अच्छे से चल रही थी, पर पुलिस आई और पुलिस ने सीधा ही आलोक को वहां पर एक्चुअली में धर दबोचा और अपने साथ ले गई। इतनी बात किसी को समझ में नहीं आई कि आखिरकार ये हुआ क्या। ये सब चीजें इतनी फास्ट और इतना ज्यादा आनंद फनन में हुआ कि किसी को भी कुछ चीजें समझ में नहीं आई। बाद में बताया गया कि आलोक जो है वो ऑनलाइन ठगी के आरोप में काफी बार मुंबई पुलिस है वो आलोक को गिरफ्तार करने के लिए काफी टाइम से एक्चुअली में ढूंढ रही थी। इस दौरान ही मुंबई पुलिस को इसके बारे में पता चला और पता चलने के बाद उन्होंने इसको धर दबोचा। मुजफ्फरपुर, नोएडा और काफी सारी जगहों पर एक्चुअली में इसने ऑनलाइन ठगी की है, जिसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर काफी सारी FIR काफी सारे लोगों ने दर्ज भी ऑलरेडी की हुई है। अभी इसकी पूरी कार्रवाई कर रही है पुलिस और पुलिस ने इसको हवालात के पीछे, सलाखों के पीछे डाल दिया है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।